तो भाई फाइनली हनुमान जी की मूर्ति पहुंच चुके है भाई। क्या हाइट है भाई? 108 फीट। फिर ना ड्रैग रेस कर रहे BS6 की और अपने ओल्ड मॉडल की। 1 2 3 ये देखो ऐसे हिल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई अपने कल के व्लॉग में तुमने देखा ही होगा अपनी जो बुलेट है ना वो कंप्लीट ही कर दिया। वैसे तो जो मैं बनाना चाहता हूँ ना वो चीज उसकी कंप्लीट नहीं हुई। वैसे तो कंप्लीट अपने टंकी वगैरह और सीट भी लगा दी उसमें, तुमने देखा ही था। BS6 की बुलेट को चलाएंगे आज, बढ़िया एक जगह ले जाएंगे। बहुत दिन से भाई वहाँ पे जाना चाहता था, जा ही नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे, पर आज भाई वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अपनी पुरानी बुलेट को लेकर वहाँ पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो बताऊंगा बाद में, पर उससे पहले तुम्हें एक चीज दिखाऊं। अपने जो BS6 है भाई, ये आज मैंने सुबह सुबह सबसे पहले पता यही काम किया भाई मैंने, किसको धोते सबसे पहले। आज उठते अपना खाना पीना थोड़ा खाके जूस वूस पी के सबसे पहले धोई भाई ये, और चमाचम करके और खड़ी कर दी है। अभी तो वैसे यहीं पे खड़ी कर रखी है, थोड़ी धूप लगेगी ना सूख जाएगी, और सूखने के बाद ठीक से फिर कर देंगे अंदर। ठीक है, और अपनी जो पुराने बुलेट है उसकी रात में लुक तुम्हें ज्यादातर मतलब क्लियर दिखी नहीं होगी, अभी एक बार दिखा देता हूँ। और आकाश भाई बैठे देखो, तो अपनी पुरानी बुलेट है ना जो, वो खड़ी है बाहर। ले भाई ये खड़ी खड़ी है ना, लग रही है तगड़ी भाई। सीट वीट गिर के वैसे लग तो रही है ऐसी जैसे BS6 आ गई हो। अभी जो अपने को चीज बनानी है ना वो ये अभी नहीं बनी है, अभी फिलहाल ये बनी है सिर्फ चलाने के लिए नॉर्मली। ठीक है, अब हम इसको भाई कहीं पे भी ले जा सकते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपनी जो टंकी है वो भी इसमें फिट हो चुकी है, बट इसकी थोड़ी वायरिंग है जो वो मैंने नीचे कर दी है और टंकी इसकी घुसा दी है। अब मतलब वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट ऐसे नीचे करके वायरिंग इसको चला नहीं सकते क्योंकि वो फूक जाएगी। मैंने बताया था ना तुम्हें कल, वो हेड बहुत ज्यादा गर्म होता है इसका तो फूक जाएगी। और भाई सीट कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ये वाली सीट अच्छी लग रही है, पहले इसमें जो पतली थी वो ज्यादा अच्छी लगती थी। और वैसे तो भाई होगी बुलेट अपनी सेट, है ना, नए स्टैंड वगैरह गिर के ना, अब मतलब ये हो गया भाई। होती है ना ऐसे, जैसे पहले थी ना ऐसे चलती थी जैसे पूरी बुलेट खुली हुई हो, अब ऐसे चलती है बढ़िया टाइट। ठीक है, तो भाई इसको खड़ी करते अभी यहीं पे, और जो जगह मैं तुम्हें बता रहा था ना कि वहां जाएंगे वहां पे इसको ही लेके जाएंगे आज, है ना, अपनी उसको नहीं लेके जाएंगे BS6 को। बट उससे पहले जा रहे भाई हम मानवी और कबीर को लेने स्कूल। चले भाई, भाई इन पिन कोड ही ना पता अपने 121004। तो भाई अभी जाना पड़ रहा है हमको सानी और कबीर को स्कूल से लेने। वैसे तो पापा बोल रहे थे पापा लेके आएंगे, बट पापा को पड़ गया कुछ इमरजेंसी में काम, तो पापा बोल रहे अब तू ही लिया। वैसे तो यार मैं नहाया भी नहीं हूँ, आके ही नहाऊंगा क्योंकि वहां जाएंगे ना तो तभी देखेंगे, नहाएंगे तो भाई बाद में ही है ना, अब नहीं नहाया जाएगा क्योंकि टाइम देखना वैसे ही 11:42 हो गए और 12 बजे भाई उनकी छुट्टी हो जाती है। तो भाई जल्दी से पहुंचते हैं वहां पे और सानवी और कबीर को लाके और फिर जाते हैं। आज बहुत तगड़ी जगह है, तुम भी गए होगे शेखर भाई, क्या चीज दिखाई है तुमने भी, तुम भी जाओगे अगर एक बार मैं गया ना फिर देख लेना, तुम भी जाओगे भाई, पक्की गारंटी है इस बात की। तो भाई गाड़ी को निकालते जल्दी से, और मैं अभी फिलहाल वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि अपनी जो फॉर्च्यूनर है ना ये कुछ इतनी अंदर खड़ी रहती है ना, यहाँ से निकालनी बहुत मुश्किल है, तो इधर उधर से टच हो जाएगी, तो इसलिए कैमरे को कर देते हैं बंद। ठीक है, तो भाई अपनी फॉर्च्यूनर में ना एक प्रॉब्लम आ रही है यार, इसका ना एक हॉर्न नहीं बज रहा, इसमें दो हॉर्न होते हैं ना, एक लो एक हाई, इसका जो हाई होता है ना वो बंद हो गया। इसका एक ही हॉर्न बज रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसमें रूट्स के लगा देते, बट पापा को रूट्स के हॉर्न बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पापा बोलते हैं यार वो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। तो देखेंगे यार इसके हॉर्न ना चेंज करा के लाएंगे किसी दिन, आकाश इसका एक हॉर्न खराब हो गया यार। अब एक हॉर्न से ऐसी लगती है छोटी छोटी सी गाड़ी, हॉर्न होने चाहिए दो गाड़ी में, जो बजट टी ऐसे चला लो भाई आए गर्मी। चलो भाई, तो भाई जल्दी से चलते सानी और कबीर को उठाते हैं, और आज आकाश काफी प्यारा है भाई। भाई भाई मेरी बारी ना, मैंने तो पिला दी भाई, इसी चलो बात बारी है तेरी। एक तो भाई अपने इधर इतनी पतली पतली गली है ना, है ना, जो दिक्कत मतलब डर सा लगता है एकदम गाड़ी टच ना हो जाए कहीं, है ना, क्योंकि यार गाड़ी में स्क्रैच वगैरह बहुत बुरी लगती है। बैठा हो ले भाई, कबीर और सानवी को ले आए भाई, और अब जा रहे अंदर जल्दी से नहा धो के फिर निकलते हैं अपना भाई। तो भाई नहा धो के हो चुके बिल्कुल सेट, और भाई अभी अभी मैं घर पहुंचा था सानवी और कबीर को लाके स्कूल से, और मैं डायरेक्ट चला गया था भाई नहाने क्योंकि वहां पे ना हमें थोड़ी जल्दी जाना है, फिर लेट हो जाएंगे ना, थोड़ी धूप भी ज्यादा हो जाएगी। धूप तो वैसे यार ज्यादा हो रही है, बट अभी हमको जल्दी जाना, पर भाई पहले मैं जा रहा हूँ एक बार हलवाई की दुकान पे गाँव में, पता क्यों, क्योंकि भाई मेरा हो रहा है निजला, और जिस भाई को निजला की नहीं पता भाई निजला क्या होता है उनको मैं बता दूं, भाई निजला जो होता है ना वो एक टाइप की वो एलर्जी है, नाक से ना पानी बहता रहता है, जुखाम की तरह का होता है वो, नाक से पानी बहता रहता है और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और सर में दर्द रहता है और चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, ये सब चीज फिलहाल मेरे साथ हो रही है, बट मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो भाई पहले जा रहा हूँ मैं गाँव में एक बार हलवाई की दुकान पे, वहां से लाऊंगा एक बेसन का लड्डू, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो बेसन का लड्डू है ना वो एक बार दिन में खा लेना चाहिए जिसके निजला की एलर्जी है तो ठीक हो जाता है।
भाई देखते हैं अपना ठीक हो जाएगा तो नहीं तो भाई झेलना तो पड़ेगा है ना। पर भाई तबीयत बहुत बेकार कर देता है। और भाई उधर ही ना हलवाई की दुकान की साइड ही राघव का घर पड़ता है, वहां से राघव को उठा लेंगे। आंखों में ना ऐसी खुजली सी लगती रहती है, एलर्जी मतलब आंसू से आते रहते हैं आंखों में भी। तो चलते भाई एक बार राघव को उठाते हैं और उधर से एक बार मैं बेसन का लड्डू खा लूंगा। और भाई अपनी चाय भी ले ली हमने ओल्ड मॉडल की, इसकी नहीं ले रहे, इसको भी नहीं चलाएंगे, अभी चलाएंगे अपनी पुराने वाली, ठीक है। वो खड़ी है बाहर एक खड़ी भाई। तो भाई इसमें ना एक दिक्कत है यार, कल जब हम ब्रेक लगा रहे थे ना तो ये हटा दिया था भाई ने और इसमें वो ऑयल डालने लगे क्योंकि ये थोड़ा जाम सा हो रहा था। और मैं फिर पता क्या करने लगा, मैं इसके इसको कसने लगा ठीक है नट से, बट ये फिर भाई एकदम टूट ही गया। तो ये ना हमको चेंज कराना पड़ेगा, देखेंगे किसी दिन वाटा चक्कर लगेगा ना तो इसको नया लेके आएंगे ठीक है। और अब करते भाई इसको स्टार्ट और इसको लेके जाएंगे। और भाई ऊंची कितनी होगी, और इसका एक सबसे बेकार चक्कर भाई अगले ब्रेक से ही रुकती है। इसके जो लेफ्ट में ब्रेक है ना ये पीछे वाले, ये भाई लगते नहीं है एकदम से, क्योंकि राइट की आदत है ना, इधर होते नॉर्मल सब बाइक में ब्रेक, तो इधर की आदत है मेरे को, इधर एकदम मैं भूल जाता हूँ। पर कोई नहीं, करो भाई टेम्परेचर सेट, मारो किक। तो भाई लड्डू ले लिया बेसन का, इसको खा के देखते हैं अपना फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, अभी तो थोड़ा ही खाया। और ये देख लो भाई राघव भाई, ये तो तैयार हो गया है सेट एकदम। तो भाई ओल्ड मॉडल और BS6 करिए भाई रेस दियो, मैं क्रिच नहीं दाब सकता वरना मैं भी रेस देख के दिखा देता है ना भाई। तो भाई एक बार चल रही है, समीर खड़ा है बाहर और उसे उठाते हो फिर निकलते हैं भाई, दो दो बुलेट हैं भाई। मैं अपनी ओल्ड बुलेट पे और राघव और समीर BS6 पे ठीक है। तो भाई हम निकल रहे सीधे पता कहाँ, हम जा रहे हैं भाई हनुमान मंदिर। अपने ब्लॉग में तुमने शॉर्ट्स देखे होंगे ना, मैं हनुमान मूर्ति की वीडियो डालता रहता हूँ। तो भाई आज जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच के फिर बातचीत करते हैं। राघव वाली जो बुलेट है ना BS6 इसमें डल रहा है भाई लॉन्ग पंजाब, इसकी साउंड चेक करना एक बार। अगली गाड़ी हो ये देखो भाई है ना भाई, वैसे लॉन्ग पंजाब की ना साउंड तो तगड़ी है बट ये थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता यार, लंबा ज़्यादा रहता है ना। और अपनी में है भाई शॉर्ट मॉडल, इसकी साउंड चेक करना एक बार। तो भाई अपनी बुलेट में भरवा रहे तेल, मैं तो करवा रहा हूँ भाई 200 का। कितने करवाए तेल? 100 को 20 के एवरेज दे, अरे भाग्यवा की और थोड़ी होगी ना उस्ताद। फाइनली हनुमान जी की मूर्ति पहुंच चुके हैं भाई, ये देखो भाई फर्स्ट टाइम आया हूं मैं यहां भाई। तो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है, फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जो रोड जाता है ना भाई, यहां से देखते तो इतनी बड़ी लगती नहीं है बट जब नीचे आते ना भाई देखो ना यार बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत ज्यादा। हम तो जितना अंगूठा है ना इतने बड़े होंगे, अरे हम तो अंगूठा जितने होंगे समीर, चल चारों साइड घूम सके ना आगे। तो भाई ना पीछे से एक बार लोकेशन देखो, वैसे तो ना भाई ये पहाड़ में बनी हुई है सिर्फ, देख रहे हो पहाड़ है है ना। तो भाई पीछे से कुछ लुक ऐसी है ठीक है, लग रही है तगड़ी। ओ मोहाल देखो कहाँ पे, देख रहे हो मधुमक्खी छत्ता, ओ ये रहा भाई। तो भाई मूर्ति तो ये बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत ज्यादा। हाँ रोड पे से ना इतनी बड़ी नहीं लगती बट यहाँ से भाई बहुत ज्यादा यार, बहुत बड़ी मूर्ति यार। आकाश तू यहाँ जा खड़ो ही, गदा जा खड़ो तू कितने, आकाश कह रहा गदा ओ फाइट। भाई मूर्ति के ना चारों तरफ ऐसे वो लगा रहे परिक्रमा, और यार वीडियोस वगैरह बनानी बट वीडियो ऐसे कहाँ से बनेगी भाई, जो मूर्ति भी पूरी आ जाए बढ़िया और हम भी मतलब ठीक व्यू आ जाए जो। तो देखते भाई उधर से ना, शायद उधर की साइड से ही ऐसे वीडियो बन सकती है जो मूर्ति पूरी आ जाए, वरना भाई बहुत ज़्यादा बड़ी है। नीचे से देख रहे हो तो भाई रोड पे से इतनी बड़ी नहीं लगेगी, इसके नीचे आके देखोगे ना बहुत ज़्यादा बड़ी है।
भाई पाम का थी फुक है भटूरे से बन चुकी है। तो भाई अभी ना वहां थे हम और वहां से आए भाई अभी नीचे और यहाँ पे आके ना पूरी प्रॉपर मूर्ति दिख रही है वीडियो में भी और वैसे भी मतलब हमको भी भाई प्रॉपर यहीं से दिख रही है। नीचे जाएंगे ना नीचे से नहीं दिखती भाई, नीचे से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है यार। एक बार ना भाई रियल में आके यहाँ देखना तगड़ी मूर्ति सही में। भाई हम अंदाजा लगा रहे हैं ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये कितने फिट की होगी, कितनी फिट होगी भाई? तो भाई राघव बोल रहा है 100 फुट है, 100। और तू भाई? 60-65। तो भाई आकाश बोल रहा है 60-65 और समीर भाई कर रहे हैं गूगल पे चेक। अपने अंदाजे से तो भाई ये 100 के करीब तो है, 100 तो है यार मुंह पर, 100 से ज्यादा लग रही है, 100 से ज्यादा यार 108 फिट है भाई। देखा मैंने मेरा अंदाजा सही है भाई, मैंने कही कि 100 से प्लस है। तो भाई जो अपनी ये बड़कल में मूर्ति है ना इसकी हाइट है भाई 108 फिट, ठीक है मेरा अंदाजा सही था, मैंने बोला था इनसे भाई 100 प्लस है, ठीक है। राघव का थोड़ा थोड़ा सही था और इसका बिल्कुल गलत। शेर भाई गधा की वो बताई गधा गधा चल तुम्हें हिंदी में। तो भाई मूर्ति तो हमने देख ली और मूर्ति के साइड में घूम ली एक बार मंदिर पे और घूम जाते हैं हम यार। यहाँ पे कभी आए नहीं है ना भाई, अपने साथ ना वो सीन है होता है ना कि जो जो चीज अपने पास होती है उसकी कदर नहीं करते। तो भाई वही सीन है अपने ना, ये मूर्ति बहुत नियर पड़ती है पर इसको 7-8 साल तो हो गए समीर, तो 7-8 साल से कभी भी भाई हम इन पे आए नहीं और आज हम फर्स्ट टाइम इस मंदिर में आए और फर्स्ट टाइम इस मूर्ति को देखने आए। तो आज भाई सारा मंदिर और मूर्ति वूर्ति सब घूमेंगे घूमना। ये मंदिर यार मेरे को लग रहा है काम चल रहा है यहाँ पे, नया बन रहा है इधर से भाई रास्ता इधर। तो भाई मंदिर में अंदर ना काम चल रहा है अभी, ये टाइल वगैरह वगैरह लग रहे और पीछे तो कुछ नहीं है वैसे परिक्रमा के लिए ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार प्यास लग रही है पानी पियेंगे। ओ बत्तख, चल बत्तख देखने चलते। अरे भाई कितना रोड़ बचा रहा है भाई, इसने शोर मचा दिया पूरा ही। भूखी है क्या? भूखी नहीं है, डर रही है ये सोच रही है हमको इस खाने को देंगे। राघव बोला भाई सुई जैसे दांत इनके। तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखी बत्तख, सच बता रहा हूँ आज तक भाई बत्तख देखी नहीं है, ऐसी होती है टेडी बियर से नहीं होते वो कार्टून से, वो ऐसी लग रही है। आकाश कह रहा भाई राघव ना के लिए आए इसकी वजह से आवाज कर रही है। टमाटर है गेरियो ये भूखी नहीं है भाई, ये डर रही है आ जाओ। तो भाई हनुमान जी का जो मंदिर है ना वो पूरे घूम लिया भाई, वैसे ज्यादा कुछ बड़ा मंदिर है नहीं, थोड़ा छोटा ही मंदिर है पर मूर्ति बहुत बड़ी है भाई, है ना भाई? मूर्ति के हिसाब से ना तो मंदिर थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं। और भाई ये खड़ी अपनी दोनों शेरनी, यू शेरनी यार यू ये लो मड़ी है। तो भाई अपनी ना वहाँ पे चप्पल कट रही है उनको और पहन जाते हैं, रोड ही चुप रही यार पैर में। तो भाई चप्पल अप्पल पहन के और हम निकल रहे हैं भाई घर, और ये खड़ी भाई अपनी दोनों शेरनी। और भाई राघव वाली जो बुलेट है ना इसमें डल रहा है भाई अपना लॉन्ग पंजाब, ठीक है, और अपनी में डल रहा है भाई शॉर्ट बॉटल। अपना पता क्या सीन है, अपनी बुलेट जब नॉर्मल चलेगी ना तब तो इतनी आवाज करेगी नहीं, और जब भगेगी ना भाई तब करेगी आवाज, और ये जो लॉन्ग पंजाब है ना ये भाई दोनों में आवाज करता है, धीरे धीरे चलेगी जब भी ज्यादा आवाज करेगा और जब भगेगी फिर और ज्यादा आवाज करेगा। बट BS6 में जो ये बैंड पाइप है ना सी वाला इसकी एक प्रॉब्लम है, ये देखो बाहर बहुत ज्यादा रहता है, देखो बिल्कुल ब्रेक पैंडल के चिपक के, तो ये जूते वगैरह भाई के फूकते रहता है भाई, और भाई पे तो पैसा ही बहुत है रोज नए जूता ला रहा होता है। और इसका देखो इसका बैंड पाइप देख रहे हो थोड़ा इंजन की ना साइड में रहता है बिल्कुल चिपक के, क्योंकि भाई ये जर्मन कंपनी का ही है और रॉयल एनफील्ड ओल्ड मॉडल में यही बैंड पाइप देती थी, वो बन रहे भाई आफ्टर मार्केट है, हिला नहीं है भाई बिल्कुल परफेक्ट है। भगा है अपनी ते, अरे भगा तो लेते भाई अपनी, पता है ये भगती तो है बट इसमें ना पिकअप नहीं है इतना, उसमें ज्यादा पिकअप, वो एकदम से निकल जाती है और ये थोड़ी थोड़ी लेट स्पीड पकड़ती है। व्हाइट टी शर्ट और ओ ओ ओ भाई ओ भाई भाई फाइट हो गया अपने यहाँ पे। तो भाई मंदिर घूम लिए और अब जा रहे भाई घर। एक बार ना मैं सोच रहा हूँ भाई पुलिस ना मिल जाए रास्ते में, क्योंकि अभी दिखाया था ना तुमको रास्ते में ना वहाँ पे पुलिस रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ पुलिस मिल ना जाए। और राघव ना वहाँ पे तेज आवाज करके और भाई निकला था भाई, राघव बोल रहा है अपनी बुलेट से रेस लगाने की। एक भाई जो अपने अगले वाले ब्रेक है ना वो मैंने तुम्हें दिखाया था ना टूट चुके हैं, बुलेट में फ्रंट ब्रेक है नहीं। दूसरी चीज ये है भाई अपनी जो बुलेट है ना इसमें पिकअप थोड़ा कम है, ठीक है स्टार्टिंग में निकल जाते हैं वो, अभी हमने रास्ते में जब आ रहे थे ना मंदिर पे तो तब तो एक बार रेस लगाई थी तो वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें पिकअप बहुत ज़्यादा है यार, है ना, और ये अपने ओल्ड मॉडल में पिकअप थोड़ा कम है। तो जब अपनी बुलेट बन जाएगी ना सेट बढ़िया, जब उससे एक बार ड्रैग रेस करेंगे, है ना BS6 से भाई। एक बार फिर ना ड्रैग रेस कर रहे इसकी और BS6 की और अपने ओल्ड मॉडल की, ठीक है यहाँ पे एक बार ड्रैग रेस करेंगे और फिर एक बार चेक करेंगे भाई कौन सी में ज़्यादा पिकअप, ठीक है ज़्यादा नहीं भगाएंगे वहाँ से और यहाँ तक ही भगाएंगे, ठीक है क्योंकि भाई रोड है यहाँ पे ना चलती रहती सवारी वगैरह तो एक्सीडेंट का थोड़ा खतरा रहता है, तो ज़्यादा नहीं भगाएंगे वहाँ से और यहीं तक भगाएंगे, ठीक है। तो सेकंड या थर्ड गियर इतना ही लगेगा यहाँ तक, तो देखेंगे भाई कौन सी में ज़्यादा पिकअप, वैसे तो पिकअप है ना जो इसमें ज़्यादा है
बट एक बार हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो निकलती आगे या ये निकलती है। तो भाई दोनों भाई बुलेट लेकर तैयार हो चुके हैं, देख लो, या देख लो यू हो तैयार राघव, चल भाई राघव। भाई दोनों भाई बुलेट लेकर तैयार हो गए हैं। अब बस देख भाई यू गाड़ी वाले कैसे देख रहा, देख ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देख, एक दो तीन, तो भाई अभी देखी थी तुमने अपनी दोनों बुलेट है भाई, इनकी ड्रैग रेस की थी। अपनी जो बुलेट है ना भाई, फर्स्ट गियर में तो भाई ये उठी ही नहीं थी, ठीक है, तुमने देखा भी होगा, फर्स्ट गियर में हम रह गए थे पीछे। और भाई सेकंड गियर में इसमें पिकअप दिखाया था, पर सेकंड तो भाई वो थर्ड लग गया था, उतने ही इसका है, इतने इसका भाई सेकंड लगा ना, इतने ही उसका थर्ड लग गया था। तो भाई अपनी बुलेट अभी थोड़ी पुरानी है यार भाई, काम वाम चल रहा है, कुछ दिन ना बाद रेस लगाएंगे, ठीक है, अभी हम थोड़ा हार के शर्मिंदा होकर अपने घर चल रहे। चला आकाश भाई, तो भाई बात जा रहे, लेकिन एक बात याद रखना, एक महीने बाद फिर यही यही अखाड़ा होगा और हम तुझे हरा के दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, एक दिन एक महीने बाद आ जाइए। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और अब जा रहे भाई एक बार अंदर, क्योंकि ना जो मेरा निचला है भाई उसमें फर्क नहीं पड़ा बेसन के लड्डू से, तो अब जाके सीधा भाई लेटेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, जब जाके उसमें थोड़ा बहुत आराम पड़ेगा। पर भाई अपनी बुलेट में ना एक प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या। तो भाई अपनी बुलेट में ना एक प्रॉब्लम आ रही है, अपना जो ये ब्रेक है ना यार, आगे वाला फ्रंट वाला, ये देखो ऐसे हिल रहा है और हिल के ऐसे बहुत तेज बज रहा है ना, तो इसका यार इलाज करवाना पड़ेगा। और कुछ कर और कुछ ना भाई, मैं इसको इसीलिए नहीं भगा रहा था कि ब्रेक इसका खुला पड़ा है, ऐसा ना हो एकदम ब्रेक लग जाए और हम रोड पे भाई घिसटते जाए, है ना, तो कुछ ना मैं इसलिए नहीं भगा रहा था इसको। तो यार इसकी ना एक तो वो क्लिच जो टूटी थी मैंने तुम्हें दिखाया था, वो लानी पड़ेगी और ये सेट करना पड़ेगा। वैसे यार ये ब्रेक देख रहे हो कितने जुगाड़ सा है ना, तो ये सक्सेस नहीं है इसमें, जब डिस्क डलवाएंगे ना तब भगाया करेंगे इसको तगड़ी। और भाई राघव की जो बुलेट है ना यार वो BS6 है, ठीक है, न्यू मॉडल है, उसमें पिकअप वैसे बहुत ज़्यादा है, बट फर्स्ट गियर में तो भाई पिकअप ये बिल्कुल भी नहीं दिखा दे, ठीक है, सेकंड गियर में दिखा दी भाई पिकअप, तो मैं वीडियो में दिखा नहीं होगा। ए ला भाई या को नाम लिया और यू हाजिर, तू ना मारा सहजी, तेरी बारी कर रहे अभी। तो भाई मैं कह रहा हूँ तेरी बुलेट की टक्कर तो दे दी, बट यार अपनी बुलेट सेकंड गियर में पिकअप दिखा हुआ, पता नहीं क्यों, ये क्या सीन है ना, ऐसे उठती है एकदम भाई, सेकंड गियर जैसे लगे ऐसे उठती है एकदम, तुमने नोटिस करा होगा क्या, जब एकदम तू लेको आगे को और ये है ना जो लॉग पंजाब, ये भाई दोनों में ही तगड़ी आवाज करता है, धीरे धीरे चलाओगे जब भी और भगाओगे जब भी तगड़ी आवाज करेगा। तो भाई एक महीने का आकाश भाई ने टाइम मांगा आपसे, ठीक है, एक महीने बाद ड्रैग रेस क्या एक्सेप्ट करना है, फर्क तो बहुत है ना, तब से अपनी बुलेट में सीट डाली है ना BS6 की, नई सी लग रही है कुछ, है ना, सीट कुछ अच्छी लग रही है, टंकी वाला है ना ये इनफील्ड भाई, तगड़ा लगता है लिखा, और ये 500 भी लिख रहा है जो 500, ये भी तगड़ा लगता है भाई, 500 cc है, हाँ लेकिन हम ले रहा है, वैसे भाई मजाक कर रहा हूँ, ये 500 cc नहीं है, 350 cc है, बट 500 ना दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो वैसे तो मैं 5600 लिखवाने की सोच रहा था, पर वो थोड़ा लंबा हो जाता ज़्यादा, है ना, तो इस चक्कर में ही लिखवाया। तो ठीक है राघव भाई, मिलते हैं शाम को, जिम पे,